एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंज अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। अगर हम रो या कॉलम को, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसका डिटरमिनेंट सेम रहता है। मतलब एक कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों क्या आएंगे, सेम। जैसे ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर हम इनके रो को कॉलम में चेंज कर दें, A1 B1 C1 यहाँ पे आ जाएगा, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एक, इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। जैसे अगर हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 1 2 7 2 3 6, इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट है। अगर हम कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लो हम R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R3, ये हमारी फर्स्ट रो है इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेकंड रो है इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थर्ड रो है इसको R3 से, और कॉलम को कैसे, फर्स्ट कॉलम को C1 से, सेकंड कॉलम को C2 से और थर्ड कॉलम को C3 से। अगर हम यहाँ पे मान लो रो को इंटरचेंज करते हैं R1 को R2 में और R2 को R1 में, इसका मतलब है R1 और R2 को हम इंटरचेंज करते हैं, ये इंटरचेंज का साइन होता है। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का भी साइन चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट के बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। तो सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो रखेंगे 1 2 7, फर्स्ट रो पे क्या आ जाएगी, सेकंड रो, और सेकंड रो की जगह क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो। थर्ड रो एज इट इज रहेगी 2 3 6, इस तरह से ये किसके, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल। अब ये माइनस का साइन लग जाएगा अगर हम कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी ऑफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर हमारे पास कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 5 6 1 7 और 1 2 5, देखो अब R1 जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो आइडेंटिकल है बिल्कुल, 1 2 5 और 1 2 5 एलिमेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, जीरो। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई भी डिटरमिनेंट है, इस तरह से हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है A+B1 B+C1 C+D1, इस तरह से कोई भी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मान लो वैल्यू है B C D F G E, कुछ भी वैल्यू हो, ऐसे एक रो या कॉलम, जैसे मान लो ये कॉलम है, इसमें क्या है, दो दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट क्या है, सम के फॉर्म में, प्लस 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 है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक में तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट ABC, जैसे यहाँ पे आ जाएगा ABC, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज BDG CFE, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, तीनों में प्लस का है तो प्लस आएगा, तीनों में माइनस है तो माइनस रखेंगे, बस तीनों साइन सेम होने चाहिए और वैल्यू प्लस में या माइनस में। अब दूसरे वाले ये एलिमेंट लिखेंगे B1 C1 D1, बाकी एलिमेंट एज इट इज BDG CFE, इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में, तो डिटरमिनेंट को सॉरी दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं जब कोई भी रो या कॉलम उसके सम या डिफरेंस की फॉर्म में दे रखी हो। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड सेम मल्टीपल के ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज रहती है हमारी, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो हमारा एक डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3, B3, C3। अगर हम किसी भी रो में कोई भी रो ऐड कर दें, किसी भी कॉलम में कोई कॉलम ऐड कर दें, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लो हम ऑपरेशन, इनको बोलते हैं हम ऑपरेशन लगाना। तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हम फर्स्ट रो में हमें कुछ ऐड करना है, तो सबसे पहले हम R1 लिखेंगे, मतलब हम फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये साइन लगाएंगे, इसका मतलब फर्स्ट रो पे हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं। जैसे मान लो हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर रहे हैं, तो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 + R2। R1 की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, दोनों रो को ऐड करके। तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा हमारा, A1 + A2, B1 + B2 और C1 + C2। देखो R1 में R2 ऐड कर देंगे, A1 में A2 ऐड होगा, B1 में B2, C1 में C2, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। R1 पे ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ R1 ही चेंज होगी, R2 और R3 एज इट इज रहेंगे। A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। इस तरह से अगर हम किसी भी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं, उसमें कोई भी रो या कॉलम एक दूसरे में ऐड करते हैं, कोई भी रो या कॉलम एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा डिटरमिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट के से अगर हम मल्टीप्लाई करके भी इसको ऐड करें। जैसे मान लो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएं, जैसे इसी क्वेश्चन में R1 पे हम ये भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएं, R1 + K R2, मतलब R2 की K से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में ऐड कर दें। तो देखो क्या डिटरमिनेंट बन जाएगा हमारा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू R1, R2 की K से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 + K A2। R1 में क्या आ जाएगा, A1 + K A2। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 + K B2 और ये आ जाएगा C1 + K C2। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, A1, B2, C2, A3, B3, C3। तो भी डिटरमिनेंट पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट हमारे ये तीनों जो डिटरमिनेंट हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट कभी भी चेंज नहीं होता।